नमस्कार, दृष्टि आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वह है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। सबसे पहले देख लेते हैं इसका परिचय। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत है। अब जान लेते हैं कि इस बोर्ड का विभाग कौन सा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का विभाग राजस्व विभाग भारत सरकार है। अब देख लेते हैं कि इसका मंत्रालय कौन सा है। इस बोर्ड का मंत्रालय वित्त मंत्रालय भारत सरकार है। अब जान लेते हैं कि इस बोर्ड के कार्य क्या हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं: नीतियों का निर्माण करना, प्रत्यक्ष करों की उगाही और संग्रह से संबंधित गड़बड़ियों से निपटना, संपूर्ण आयकर विभाग के कामकाज का पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष कर कानूनों में विधायी परिवर्तन का प्रस्ताव करता है और सरकार की नीतियों के अनुरूप कराधान यानी टैक्सेशन की दरों और संरचना में परिवर्तन का भी प्रस्ताव करता है। अब जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष समन्वयक प्रमुख होता है। बोर्ड में प्रत्येक सदस्य को एक विशेष कार्य सौंपा जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।